देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आरक्षण को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा दाव खेला है। मायावती ने कहा है जब सरकार ने आरक्षण के 50% के दायरे की सीमा को तोड़ ही दिया है तो आबादी के हिसाब से दलित और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। हालांकि बसपा का पहले से ही मूल मंत्र रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में मंडल स्तरीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने नेताओं से कहा कि योगी सरकार द्वारा 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और उपचुनाव से पहले ही इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएं। इसी मुद्दे को लेकर मायावती ने रविवार को विरोध जताया था। हालांकि योगी सरकार के 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के दलित चेहरा थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी जाति को किसी अन्य जाति के वर्ग में डालने का काम संसद का है। अगर यूपी सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में लाना चाहती है तो उसके लिए प्रक्रिया है। ऐसे में राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी जो आदेश जारी किया है वह संवैधानिक नहीं है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया है। इनमें 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद अन्य जाति है। आरक्षण को लेकर मायावती दलितों के बीच जगह बनाना चाहती है और अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाना चाहती है। इसी मद्देनजर उन्होंने दलित और ओबीसी समुदाय के लिए उनके आबादी के लिहाज से आरक्षण की मांग की है। सूबे में 13 विधानसभा सीटें रिक्त हुई है। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बसपा ने 9 साल के बाद उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। यही वजह है कि मायावती अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही है और अपने मूल वोट बैंक को साधने की पूरी रणनीति बनाई है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।